बीच हम आपको बताते हैं बहराइच हिंसा के आरोपियों की पेशी सीएम आवास पर करवाई गई है। सुरक्षा कारणों से आवास पर ही पेशी करवाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, कोर्ट ना ले जाकर सीएम आवास पर ही बहराइच हिंसा के आरोपियों की पेशी करवाई गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से ये कदम उठाया गया है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला संवेदनशील है, आज जुमा भी है और इन सब को देखते हुए हालांकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, लेकिन फिर भी पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से सीजीएम आवास पर भी इन सभी जो पांचों आरोपी हैं उनकी पेशी करवाई गई है। सुरक्षा कारणों का हवाला इसको लेकर दिया गया है और इसी वजह से अब सीजीएम हाउस में ही इस पर आवास में पेशी करवाई गई है। मनोज शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है, क्यों नहीं कोर्ट ले जाया गया, सीजीएम आवास पर क्यों पेशी करवाई गई जा रही है? आज पुलिस सुबह पांचों आरोपियों को तालिब और जो सरफराज है, जो मुठभेड़ पकड़े गए, उनको पांचों को लेकर पुलिस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो अपर जिला जज पूनम पाठक है उनके आवास पे लाई है, उनके सामने पेश किया है। तो सुरक्षा का हवाला देते हुए पुलिस ने ये कदम उठाया है कि भारी पुलिस बल यहाँ तैनात थी और इसको लेकर वज्र वाहन से इन पांचों आरोपियों को लेके आई है, क्योंकि जो बहराइच है आज जुमे की नमाज भी है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पुलिस ने तय किया कि अपर जिला जज के सामने उनके आवास से पेश किया जाए, क्योंकि कोर्ट पे जो जाने वाले रस्ते थे वहां से जो जिला अस्पताल रस्ते की दूरी कम थी, तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए भारी पुलिस की मौजूदगी में उनको अंदर पेश किया गया। अब कोर्ट जो जज के सामने उनको पेश किया गया है, तो पुलिस ने अगर इसकी रिमांड की मांग करी होगी तो जज उनके कागजों के आधार पर उनको रिमांड देगी। अगर इनकी पुलिस की जांच पूरी हो गई है तो पुलिस उनको जो डायरेक्ट गई यहाँ से जज उनको जेल भेजेगी, क्योंकि जो पुलिस को काफी सबूत मिल गए हैं, वेपन भी मिल गया है, जो वेपन इस्तेमाल किया गया था, कि जहाँ तक संभावना ये जताई जा रही है कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत मौजूद है इस घटना को लेकर, तभी पुलिस डायरेक्ट इनको यहाँ लाई है। हो सकता है कि इनको जेल भेज दे या फिर और पूछताछ के लिए या और लोग लंबी पूछताछ जो भी करनी होगी उसके लिए रिमांड की मांग कर सकती है। बिल्कुल मनोज, इन पांचों आरोपियों को सीजीएम आवास पर पेश किया गया है कोर्ट ना ले जाकर, क्या हम इसको ये इस तरह से माने कि जो जिस तरह से हिंसा हुई दुर्गा पूजा के दिन और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इस हिंसा के बाद जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो भी सड़कों पर उतरे, उसके बाद आगजनी हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, तो इन तमाम कारणों से कि आ चुकी जुमा भी है, नमाज भी अदा करना है और कोर्ट में बहुत सारे लोगों का आना जाना भी रहता है, इन्हीं तमाम वजहों से, इन्हीं तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सीजीएम आवास में पेश किया गया है। जो जलूस के दौरान हिंसा हुई थी, दो समुदाय के लोगों के बीच में विवाद हुआ था, एक हत्या भी हो गई थी, लेकिन जिसको लेकर भारी तनाव बहराइच और आसपास के जो जिले उनमें भी मौजूद है, और जिसको देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने आज जुमे की नमाज भी है उसको ध्यान में रखते हुए भी पूरे शहर में। आप इस वक्त राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव के पास सीधे लिए चलते हैं। राजीव, बताया जा रहा है कि जो पांच आरोपी थे जहां पर आप खड़े थे, जिस कोर्ट में आप खड़े थे वहां पर लेकर जाना था, लेकिन अब वहां पर ना ले जाकर सीजीएम हाउस पर लेकर जाया गया है, क्या वजह इसके पीछे बताई गई है? सुरक्षा कारण या फिर जो स्थिति बनी है पिछले दिनों बहराइच में उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया? अब देखिए, बहराइच हिंसा के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश था और यही कारण था कि पुलिस को यह आशंका थी कि अगर उनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां पर मौजूद वकील इन आरोपियों की पिटाई कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस के कुछ अफसर अंदर गए थे, उन्होंने बातचीत भी की, लेकिन वो शायद मानने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना न हो, कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, तो ये फैसला लिया गया कि अब इन्हें कोर्ट की बजाय सीधे आवास पर पेश किया जाएगा, वहीं उनको पेश किया जाएगा, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इस वक्त भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन सभी पांचों आरोपियों को जजेस कॉलोनी लाया गया है, जहां पर आवास पर, जज के आवास पर इन आरोपियों को पेश किया गया है। अब से कुछ देर बाद इस बात की जानकारी मिलेगी कि क्या पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई है या फिर पूरी पीसीआर की मांग न होने के चलते इन्हें न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा कारणों के चलते ही फिलहाल कोर्ट में न पेश करके जजेस कॉलोनी में लाकर इन सभी आरोपियों को पेश किया गया। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में वज्र वाहन आरआरएफ की फोर्स और जो पुलिस पीएसी के तमाम जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके अगुवाई में इन सभी आरोपियों को लाया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से
जो पहला टास्क था, क्योंकि जो इन सभी आरोपियों की। चलिए ठीक है राजीव, जैसे ही इनको पेश कर दिया जाता है और क्या खबर वहां से निकलती है कि क्या जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जाएगा या पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी, वैसे ही हम आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।